नशा में रहे और नशा में भैया रास्ता में अकेलो ही बने। आज जैसे ही धोबी जो रहे कहते ना इसे पीने से ही चेहरे पे रोहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो भी जवानी आए। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, भैया धोबी अरे भैया धोबी बिस्की में विष्णु बसे। बहुत बहुत सुंदर बिस्की में भैया आवाज बढ़ा रहे हैं। बिस्की में विष्णु बसे सो रम में बस रहे राम, जिन में जान की बसे सो ठर्रा में। अपने स्थान पर बैठे रहो तुम लोग, दिखाई देते हो रात तो, रात तो है नहीं जो कि दिखाई नहीं देते दिनों है। जवाब दो भैया धोबी की पिटाई करते। अब होए का बे कोड़े गिरते जरासी रुख लागे यार जरासी। आज भैया नशा में तुमने ज्यादा लगे तुम देसी हो गए अंगूरी। क्या मांग रहे भैया धोबी नमकीन और ठेका है बैठन दारू कहां लगी अब ठेका है बैठन दारू कहां लगी। भैया धोबी ये है ये अपना लौंडा ये मेरा बड़ा बड़ा लड़का है ये मोटे सत्रह सत्रह बहुत बढ़िया तरक्की खूब करी से कह रहे भैया। हाँ जी देव सत्रह अरे दो भी भैया जब ये बड़ा वाला लड़का है ना ये छोटा वाला ये हमारे ना
धोबी भैया तुमने अपने जीवन में बहुत महंगी काम करे हो जी। दिखाई पड़ रहा है जितने बैठे हैं इस सब मुझे पागल नजर आ रहे हैं। अरे ना पता नहीं पांच छह दिन से मैं देख रहा हूँ रोज रोज पंडाल मारते हैं, इनके पास कोई काम धंधा है कि नहीं। किसी ने मेरे जैसा काम किया हो तो हाथ उठाए। सुख तुमने कैसे काम करूँ? मैंने अपने बाप के हिस्से से 10 बीघा जमीन बेचकर दारू। भैया जो काम कोई नहीं कर पाई है। हाँ तुमने बहुत बढ़िया करो। और सुनो जो हाँ ये जो बड़ा लड़का है ना मेरा, हाँ इसके नाना ने ना जगह जगह पर ठेके खुलवा रखे हैं। अरे नहीं नहीं तो भाई की तुम फायदा उठाए लेना। इसके नाना यानी कि मेरे ससुर जी। हाँ और मेरे ससुर ने ठेका खुलवाया। भैया धोबी धोबी किसको कह रहा है? तुम धोबी ना यहाँ एक तमाचे में भत्ता से बैठ जाएगा भाई। अगर हमारो हाथ लगियो भैया तो तुम्हारी साइकिल बात में है पलेटे न कम हो जाए। देख रहा हो ना ये भी हाथ में बीटी फल हो जाएगा। बीटी फल नहीं हो तो अच्छा मैंने सोचा बीटी फल IM34 भैया धोबी धोबी किसको कह रहा है? अरे कौन है धोबी का जी जाऊं तो तुम डबल धोबी भरे धोबी का फूफा हूँ तो धोबी भाई तो धोबी भाई हाँ तो मैं धोबी का पापा हूँ। भैया धोबी तुझसे बार बार मैं कह रहा हूँ नीच तो ऊपर बैठ गया तो मुझसे बड़ा हो गया क्या? तेरी समझ में नहीं आ रहा मैं धोबी नहीं हूँ तो नहीं हूँ मैं धोबी का पापा हूँ। मैं तब से वही अधोधी वही अधोधी करते जा रहे हैं और तू हमारे सर पर चला जा रहा है। चल तो अपना काम और काम क्या है भैया? मैं कपड़न से बहुत परेशान है, तन से मेहमान है, कपड़ा मिल जाएंगे आपका एहसान हो जाएगा मेरा काम हो जाएगा। तू कंस का बेईमान है तो मेरे के ऊपर ऐसा कर रहा है तू? बेईमान नहीं मेहमान। ओह माय गॉड एक्सक्यूज मी प्लीज। भैया धोबी आगे काम बताओ। मुझे वस्त्र मिल जाते तो आपकी महान कृपा हो जाती। भैया धोबी हाँ बोलो 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 दुकान सही चल रही है। ये बोतल भी तो आई है सारे लॉलीपॉप की 9.5 कितना बोतल आई है भैया? हाँ बोलो। मैं कपड़ा मिल जाते तो महान कृपा हो जाती। अच्छा हाँ धोबी बोला क्या समझ रहे हो कि ये मेरा छोटा वाला बच्चा आ रही है ना ये मेरा छोटे बहुत कर रहा मेरा भाव किसी गुड़िया को कपड़ों की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुड़िया को। अगर बनानी है तो किसी बढ़िए को
भगवान कन्हैया से इतने जैसे ही शब्द कहे हैं, भैया धोबी अपनी दुकान सही रखो, अपने लौए दरवाजे को भगवान बोले अरे धोबी और रखो और झनकुआ और झनकू मैं सीधे शादी पर और तू उल्टा सीधा पक्का अच्छा मेरे पीछे बचनों करना जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतने शब्द जैसे ही कहे तो जब आप इसके पहले कपड़ा फड़ा उतार बताए कहां से पहन के आई हो उतार बताए हमें कपड़े की बहुत जरूरत है, अगर कपड़ा आ जाए अगर नहीं नहीं तो समझ ले जल्दी कर कपड़ा मारो जल्दी उतारना जल्दी जल्दी हमें दुकान संभाल कितने पहने मार ऊपर मारने के नीचे तो ये कपड़ा मत मारो मत मार उधर उधर